आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस वर्ष का दशहरे का त्यौहार फिलहाल बीत चुका है और भरत मिलाप भी कल बीत गया, भरत मिलाप के दिन का दिन भी कल बीत गया और अक्सर हम बात करते हैं कि जो दशहरे का त्यौहार होता है वो असत्य पर सत्य का, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक होता है। अक्सर हम बातें करते हैं, अक्सर हम पढ़ते आए हैं, अक्सर जो हम रामायण से रिलेटेड जो कहानियां पढ़ते हैं उसमें अक्सर ये बताया जाता है कि जो दशहरे का पर्व है वो असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक हैं। लेकिन यह त्यौहार गंदगी पर सफाई का प्रतीक क्यों नहीं है? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यह त्यौहार गंदगी पर सफाई का प्रतीक क्यों नहीं है? मैं समय फरीदाबाद के मेट्रो चौक पर मौजूद हूँ जहाँ पर दशहरे का त्यौहार का मेला लगा हुआ था और मेले के बाद यहाँ की दशा क्या है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दशहरे का त्यौहार को हम असत्य पर सत्य की जीत तो बताते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत तो बताते हैं, लेकिन गंदगी पर सफाई की जीत क्यों नहीं बताते? चलिए मैं आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर गंदगी का क्या नज़ारा है मेला ख़त्म होने के बाद। और विश्वास मानिए कि अगर जब आप यहाँ पर खुद देखने आएंगे तो ऐसा लगेगा कि जो फरीदाबाद और गुड़गांवा रोड पर जो बंधवाड़ी का प्लांट है, जो कूड़ा घर बना हुआ वहाँ पर, वो कूड़ा घर जो है उठ के फरीदाबाद के इस मेट्रो रोड पर आ गया है। चलिए मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको और गंदगी का देखिएगा, गंदगी कितनी है आसपास और आप देख के गंदगी चौंक जाएंगे कि इतनी गंदगी भी हो सकती है क्या। ये देखिए गंदगी का नज़ारा, बिल्कुल आराम आराम से देख के बताऊँगा। ये देखिए गंदगी, ये देखिए गंदगी, ये देखिए लोग गंदगी के बीच में खड़े हो, ये देखिए मेट्रो मोड़ से लेकर आर के चौक हॉस्पिटल वाले चौक तक, जिसे ESI का चौक भी कहते हैं, दोनों तरफ ये रोड ऐसा लग रहा है कि फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर जो बंधवाड़ी प्लांट है, जो कूड़ा घर है, उसका सारा कूड़ा उठकर यहाँ पर रख दिया गया हो, यहाँ पर फेंक दिया गया हो। ये देखिए नज़ारा यहाँ का, ये देखिए ये हम रोज़ गार्डन के पास पहुँच गए हैं, गुलाब उद्यान भी बोलते हैं जिसे, के पास पहुँच गया और यहाँ पे गंदगी का नज़ारा देखिए, चारों तरफ इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आखिर दशहरा मनाने के बाद दशहरा क्या पीछे छोड़ गया हमारे शहर के लिए। अक्सर हम बोलते हैं कि दशहरे का जो त्यौहार है वो असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय है, लेकिन गंदगी पर सफाई की विजय क्यों नहीं है ये दशहरे का त्यौहार, ये समझ में नहीं आता। ये देखिए गंदगी देख रहे हैं, ये देखिए गंदगी का आलम देखिए क्या है, दोनों तरफ ये देखिए, जहाँ तक भी आप अपनी नज़र दौड़ाएंगे ना तो आपको ये गंदगी नज़र आएगी। अब देखना होगा कि ये जो नगर निगम फरीदाबाद है ये इस गंदगी को कितने घंटों में या कितने दिनों में साफ करता है। बहुत बुरा हाल है, ऐसा लग रहा है कि हम अपने शहर में है ही नहीं, पता नहीं किस कौन सा रोड कौन सा गली मोहल्ला उठा के फरीदाबाद की इस जगह पर रख दिया गया हो, क्योंकि अक्सर ये रोड साफ़ सुथरा होता है, इतना साफ़ सुथरा तो नहीं होता लेकिन हाँ कह सकते हैं कि साफ़ सुथरा ज़रूर होता है ये वाला रोड, मेट्रो मोड़ से ESI चौंक वाला रोड साफ़ होता है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ का रोड उठा के इस जगह पर रख दिया गया हो, इतनी गंदगी है। खैर मुझे सामने देखिए एक व्यक्ति झाड़ू मारता हुआ नज़र आ रहा है और मुझे भाई बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये जो बंदा झाड़ू मार रहा है ये पेट्रोल पंप वाले झाड़ू मरवा रहे हैं इसे, लेकिन हमें कुछ सीखना चाहिए। जहाँ हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं दशहरे के त्यौहार और दीपावली के त्यौहारों को लेकर,
लेकिन हम अपने शहर को क्या दे रहे हैं दशहरे के त्यौहार के नाम पर। ख़त्म, जैसे ही दशहरे का त्यौहार ख़त्म हुआ, मेला ख़त्म हुआ, शहर को गंदगी बना दिया। वैसे ही हमारे शहर का बेड़ा गर्क है सफाई के मामले में। और दूसरे तौर पर देखिए, और ये कैमरे के नज़र से आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आप जो असली तस्वीर होती है वो कई बार कैमरे के नज़र से दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर आप खुद यहाँ से निकलेंगे, मेट्रो वाले रोड से निकलेंगे, मेट्रो BSI चौक से मेट्रो की तरफ जाएंगे जहाँ पर मेला लगा हुआ था, वहाँ का हाल बड़ा ही बेहाल है। ये दिखाने के लिए आपके साथ लाइव जुड़ा था, और उम्मीद करता हूँ आपका दशहरे का त्यौहार आपके लिए बहुत अच्छा निकला होगा और आने वाली दीपावली भी आपके लिए बहुत अच्छी निकली होगी। लेकिन अपने शहर का ध्यान रखें, गंदगी का आलम यहाँ पे दिखी है, वो गंदगी उठ के यहाँ तक आई हुई है। खैर, ये हमेशा हर साल का रूटीन है, ये हर साल ऐसा होता है, मेले के बाद गंदगी तीन तीन चार 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 दिन रोड पर रहती है। इतनी सुबह कुछ एक लोग हमारे मेरे इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। शहर की गंदगी दिखाने के लिए आपका लाइव जुड़ा था मैं, जो दशहरे के बाद तस्वीर जो बदली है हमारे शहर की, तो देखना होगा गंदगी साफ कब होती है। आप इस खबर को शेयर जरूर करिएगा ताकि गंदगी को जल्दी से जल्दी साफ किया जा सके। चलिए जुड़ेंगे आपके साथ, जुड़े हुए दर्शकों का धन्यवाद। खबर जड़ से डिजिटल के लिए उज्ज्वल हांडा की रिपोर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।